डीडी किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजु सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का मनपसंद कार्यक्रम है, क्योंकि कृषि दर्शन के माध्यम से ही आपको मिलती हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां। साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक को अपनाकर आप कृषि में अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम में भी सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नज़र डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले आइए नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं एलोवेरा के बारे में। जी हाँ, एलोवेरा जो कि हमारे लिए कई तरह से गुणकारी है, ये अपने पोषक तत्वों के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही साथ इसकी खेती भी काफ़ी सरल होती है, जिससे हमारे किसान ऐसी भूमि को भी सही उपयोग में ला सकते हैं जहां पर अन्य फसलें नहीं उगती हैं। इसके अलावा एलोवेरा के कई तरह के उत्पाद भी बाजार में अपनी मांग बनाए हुए हैं, इसीलिए किसान इसकी खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो अगर आप भी एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और उसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच एक एक मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह एक हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे, टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म है, लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूँ आपकी AI एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे पशुपालकों के लिए एक नई उम्मीद के बारे में, जिसका नाम है नेपियर घास। इस हरे चारे की खेती से पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए पर्याप्त और पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है, जिससे उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। नेपियर घास, जिसे हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यंत उपजाऊ और पौष्टिक चारा है। यह घास तेजी से बढ़ती है और इसके उत्पादन में कम समय लगता है। एक बार रोपण के बाद इसे सालों तक काटकर उपयोग किया जा सकता है, जिससे पशुपालकों को बार बार बीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
इस घास में प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह पशुओं के लिए उत्तम चारा साबित होती है। इसके सेवन से पशुओं की सेहत में सुधार होता है और दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। नेपियर घास की खेती से न केवल पशुपालकों को सस्ता और अच्छा चारा मिलेगा, बल्कि उनके खर्चों में भी कमी आएगी। इसके अलावा इस चारे की अधिक उपलब्धता से पशुपालकों को अपने पशुओं का पालन पोषण बेहतर तरीके से करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर नेपियर घास की खेती पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो किसान भाइयों और बहनों, इस नई तकनीक को अपनाएं और अपने पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या को हल करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। आज का हमारा कृषि स्टार्टअप बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं झारखंड की रीता देवी से, जो कि अपने क्षेत्र में बीज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, बीज उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फसल आपकी कैसी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितने अच्छे बीजों का चुनाव आपने किया है। और इसी दिशा में रीता देवी जी लगातार कार्य कर रही हैं, जिससे न सिर्फ वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि इससे किसानों को भी अच्छे बीज मुहैया हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। एक ऐसी ही महिला कृषि उद्यमी हैं रीता देवी। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड का एक छोटा सा गांव है डुंडीगाछी, जहां की रहने वाली हैं रीता, जो आत्मविश्वास से भी लवरेज हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 16 वर्ष की कम उम्र में ही इनकी शादी शक्ति राम महतो से हो गई थी। कच्ची उम्र में पारिवारिक दायित्वों का बोझ इनके लिए किसी चुनौती से जरा भी कम न था। समस्याएं बहुत थी, लेकिन उससे निकलने का हुनर रीता को मालूम था। गांव की महिला समिति और ग्राम संगठन के रोजगार समिति से जुड़ने के साथ शुरू हुई इनकी फर्श से अर्श तक पहुंचने की विकास यात्रा। रीता ने राज्य सहित बाहर के राज्यों में प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव की अन्य महिलाओं को भी खेती के नए तौर तरीकों से अवगत कराया। इन्होंने खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया। गाय बैल के अलावे इनके पास आज 6 बकरियां हैं। एक सफल किसान के साथ साथ रीता देवी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की संवाहिका भी बन गई है। कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, और इसकी जीती जागती मिसाल है युवा महिला कृषि उद्यमी रीता देवी। रीता आज कोई आम किसान नहीं है, बल्कि नई सोच और समझ रखने वाली एक प्रगतिशील महिला कृषि उद्यमी है। इन्होंने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक खेती की नींव रखी। आरंभ में रीता को गांव वालों के ताने भी सहने पड़े, लेकिन इन्हें इनके इरादों से कोई विचलित न कर पाया। रीता देवी के पास कुल 50 डिसमिल जमीन है, जिस पर एक कई तरह की फसल तो उगाती ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार फूलों की खेती और बीज उत्पादन का काम रीता देवी ने शुरू किया। इन्होंने अपने 25 डिसमिल जमीन पर एक टमाटर बीज उत्पादन का कार्य भी शुरू किया।
रीता ने गांव के प्रत्येक किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाकर पैदावार में भी बढ़ोतरी की है और यही कारण है कि गांव के दूसरे किसान आज रीता के मुरीद हो गए हैं। रीता लोगों की आजीविका को सशक्त बनाकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। ये सामाजिक समस्याओं के निदान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। रीता देवी वन रक्षा समिति की सक्रिय सदस्य भी हैं। कल तक जो इन पर तंज कसा करते थे आज वे भी रीता से आर्थिक मदद प्राप्त कर रहे हैं। रीता देवी आज अपने क्षेत्र में किसी परिचय की जरा भी मोहताज नहीं। इन्होंने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनकी कामयाबी पूरे देश और राज्य के लिए गर्व की बात है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सलाम। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही हम वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृषि। आज हम बात करेंगे कृषि रसायनों पर किसान सेमिनार के बारे में जो हाल ही में संपन्न हुआ। खेती किसानी में उन्नति और बेहतर फसलों के लिए कृषि रसायनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से हाल ही में एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें किसानों को कृषि रसायनों के सही उपयोग और उनके फायदों के बारे में जानकारी दी गई। सेमिनार में विशेषज्ञों ने कृषि रसायनों की विभिन्न श्रेणियों, उनके लाभ और उपयोग के तरीकों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे सही रसायनों का चुनाव और उनका उचित उपयोग फसलों की उत्पादकता को बढ़ा सकता है और किस प्रकार से रसायनों का अत्यधिक उपयोग हानिकारक हो सकता है। इस कार्यक्रम में किसानों को कृषि रसायनों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। विशेषज्ञों ने किसान भाइयों और बहनों को सलाह दी कि वे सही जानकारी के आधार पर ही रसायनों का उपयोग करें और उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर असर को ध्यान में रखें। इस सेमिनार के आयोजन से यह संदेश स्पष्ट हुआ कि कृषि रसायनों का सही उपयोग न केवल फसलों की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है बल्कि किसानों के आर्थिक लाभ को भी सुनिश्चित कर सकता है। सेमिनार के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को धन्यवाद। यह थी कृषि रसायनों पर किसान सेमिनार की ताज़ा जानकारी। कृपया खेती से संबंधित किसी भी नए अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए
₹250 प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि खास तौर पर आप किसानों के लिए हैं। फार्मिंग इंडिया में अब आपको लेकर चलते हैं हमारे AI एंकर कृषि के पास। आइए जानते हैं आज किस बारे में वो आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृषि और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान मक्के और धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। जम्मू कश्मीर में ही किसान ज्वार और बाजरा की पकी फसलों की भी कटाई कर लें। जम्मू कश्मीर में किसान सभी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, धनिया और मेथी की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। जम्मू कश्मीर में इस समय प्याज की बुवाई की जा सकती है। यहाँ केसर की खेती कर रहे किसान इनके खेतों में पानी जमा ना होने दें। साथ ही यहाँ किसान सेब में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान तिल को कीटों से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। हिमाचल प्रदेश में ही किसान सोयाबीन, मूंग और उड़द को रस चूसक कीट से बचाने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। यहां किसान टमाटर और बैंगन में फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप लगा लें। हिमाचल में उड़द और मटर को सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही यहां के किसान मिर्च में घुन के नियंत्रण के उपाय भी कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान खीरे को फल मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। उत्तराखंड के नैनीताल में किसान इस समय फूल गोभी की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। नैनीताल में ही इस समय गाजर और मूली की विभिन्न किस्मों की बुवाई भी की जा सकती है। नैनीताल में मिर्च को सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। नैनीताल के किसान बाजरा को बेधक कीट से बचाने के लिए फिप्रोनिल का स्प्रे कर लें। नैनीताल में इस समय आलू की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहां के किसान मक्के की फसल को झुलसा रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। फार्मिंग इंडिया में हम आपको उन कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जिससे जुड़कर आप किसान भाई बहन सीधे लाभ ले सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे ही योजना के बारे में। महात्मा गांधी नरेगा की सफल दास्तानों की खोज हमें ले आई राजस्थान के दौसा जिले में। मिलिए प्रभु मीणा से। खेती के अलावा आमदनी का एक जरिया उसके दुधारू पशु भी। फसल अच्छी हुई तो दिल को तसल्ली मिली कि मेहनत रंग लाई, वरना अतीत की दास्तान तो इससे बिल्कुल जुदा थी।
जिला दौसा की ग्राम पंचायत खटुम्बर में खटुम्बर ग्राम के वासी प्रभु मीना के लिए गुजरे कल में खेती की जमीन का उबड़ खाबड़ होना एक बड़ी समस्या थी। बरसात होती तो पानी ढलुआ रास्तों से बहकर निकल जाता और उपजाऊ मिट्टी भी साथ बहा ले जाता। साथ ही खेतों में मेड़बंदी का ना होना भी एक बड़ी समस्या थी। खेत में जो थोड़ी बहुत फसल होती तो खरगोश नीलगाय जैसे जंगली पशु खेत में घुस खड़ी फसल को तहस नहस कर देते। मुश्किल से रोजी रोटी का इंतजाम करने वाला प्रभु मीना जमीन को समतल करने और मेड़बंदी के लिए पैसे कहां से लाता। उसकी एक और समस्या अपने दुधारू पशुओं को लेकर भी थी, जिनके लिए वो पक्का शेड नहीं बनवा पा रहा था। पशु खुले में रहते तो गर्मी तूफान सर्दी मौसम की मार झेलते। नतीजा एक तरफ तो दूध कम और फिर आए दिन पशुओं में बीमारी। कुल मिलाकर मुश्किलें एक नहीं अनेक थी। मुश्किल की घड़ी में रोशनी की किरण दिखाई महात्मा गांधी नरेगा ने। गुजरे 5 वर्षों में महात्मा गांधी नरेगा के तहत कमजोर वर्गों के निर्धन ग्रामीणों की खेती की जमीनों पर जरूरत के मुताबिक दीर्घ स्थायी निर्माण पर जोर दिया गया। पात्र होने के कारण प्रभु मीना ने पंचायत में अर्जी लगाई और बात बन गई। मारा टाइम शब्द लिया जो मैंने सोची नहीं, महात्मा गांधी नरेगा से मेड़बंदी मिली, खेत भी समतल कर लियो, पेंशन को बाड़ा मिलियो, खेत में पौधा लगाया। महात्मा गांधी नरेगा योजना की मदद से प्रभु मीना एवं अन्य हितकारियों के हमने योजना अंतर्गत कार्य स्वीकृत किए हैं, जिसमें प्रभु मीना के मेड़बंदी समतलीकरण पशु बाड़ा एवं वृक्षारोपण का कार्य स्वीकृत हुआ है और काफी अच्छा कार्य इन्होंने कराया। महात्मा गांधी नरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक महत्व की परिसंपत्तियों के साथ साथ कमजोर वर्ग के जरूरतमंद पात्रों की निजी परिसंपत्तियों को सुधार व निर्माण ने चयनित लाभार्थियों के लिए संजीवनी का काम किया है। प्रभु मीना के समान ही दौसा जिले की ग्राम पंचायत काबलेश्वर के गांव चौरड़ी के किसान चीतरमल को अपने खेत के समतलीकरण मेड़बंदी पशु शेड और वर्मी कंपोस्ट के नाडेप निर्माण के लिए कुल 88,000 की राशि वर्ष 2018-19 के लिए मंजूर हुई। इन कार्यों में कुल व्यय 64,000 का रहा। इन सब के कारण चीतरमल अपनी जिंदगी में आए सुखद बदलाव को साफ महसूस कर रहा है। महात्मा गांधी नरेगा से बढ़िया समतल खेत हुआ, बढ़िया वहाँ की डोली पाड़ बंदी, तो वहाँ सोचे जी आप आपका खेता का पानी छे जे जगह की जगह रुकिया तो उस लाभदारी बढ़िया हुई, फसल भी बढ़िया हुई, फिर दूसरा कैटल सेट बनिया। ये हमारा जानवर है ना जो बहुत ही ज्यादा दुख पाता था, जो बहुत सुख पा बल तो उस बढ़िया दूध की लाभदारी हुई, पीसा ज्यादा बढ़ गया साहब, दूध ज्यादा गयो तो ज्यादा पीसा आया, परिवार बेटा बू सब कुछ महाराज मजा हो रहा। लाभार्थी का चयन कैसे हो, इसके लिए ग्राम सभा की मीटिंग के दौरान सभी के आवेदन पर चर्चा होती है और ग्राम सभा की सहमति से लाभार्थी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है। पंचायत लाभार्थी का नाम अनुमोदित कर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ प्रशासन के पास भेजती है। अधिकारी कागजात की जांच करते हैं, साइट का इंस्पेक्शन होता है और फिर राज्य सरकार इस कार्य के लिए बजट मंजूरी देती है। कार्य क्षेत्र की जियो टैगिंग की जाती है और कनिष्ठ तकनीकी सहायक की देखरेख में कार्य को पूरा किया जाता है। कुल मिलाकर सारा प्रोसेस पूरी तरह से पारदर्शी है। राजस्थान की ग्रामीण पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी नरेगा से लाभान्वित ऐसी सफल गाथाओं को उत्साह से बयां करते चेहरे जहां तहां मिल जाएंगे, क्यों ना हो। महात्मा गांधी नरेगा के इस प्रयास ने अपनी सार्थकता को हर कसौटी पर साबित जो किया है। आइए बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, जिससे हमारे किसानों को खेती में काफी लाभ होता है। एक तो ये कि उन्हें मिट्टी की सेहत के बारे में बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसी के अनुसार ही वो पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं। इससे जहां लागत घटती है वहीं दूसरी तरफ अच्छी फसल भी उन्हें प्राप्त होती है और साथ ही साथ मिट्टी की सेहत में भी सुधार होता है। तो आइए जानते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में और विस्तार से।
मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है, साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉयल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90-95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85-90% किसान इस योजना का हिस्सा है। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8-10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, उससे हमारे किसानों को अवश्य लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप इसके बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपका अपना कार्यक्रम है, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि दर्शन को बेहतर करने में मदद करते हैं। कृषि दर्शन में चलते चलते आपको भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। कृषि दर्शन के एक नए अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बदलते भारत की शान।
मौसम खबर की